देखो मेरे हम नोटिस आया मैं उन्हें वेरीफाई कर लेना की गल है लिया। मुंशी साहब मन गए कि दो तीन दिन तो मुंडे नू रख्या है। परिवार कह रहा है हफ्ता हो गया सी इस मुंडे नू पुलिस ने हिरासत विच रख्या। ते मुंशी ने नाल ही कहा कि SHO साहब नू पता है। ते SHO साहब की कह गए, ओ मीडिया नू कह गए कि तुहाडे कहन ते ही उन्हां दे ध्यान च मामला आया है। उन्हां नू नहीं पता कि चौंकी च किसे नू लियांदा गया है। हुण इस नू की कहांगे, इस दे पिछे कौन है कि वाकई पुलिस अफसर कानून का गलत इस्तेमाल करते ने। मुंशी कह रहा है कि इंचार्ज साहब लेके आए। इंचार्ज साहब कहते मैनू पता नहीं। परिवार कहता हफ्ता हो गया मुंडे नू थाने च वैध हिरासत च रखा गया है। तो जदों मामला मीडिया के ध्यान में आया तो मुंशी के मुँह तो निकल ही गया कि दो तीन दिन तो इस नू लिया गया है। सब तो वड्डा सवाल, जेकर दो तीन दिन तो भी लिया गया सी तो इस नू गिरफ्तार करके कोर्ट च पेश किया जाना चाहिए सी, जो कि पुलिस ने नहीं किया। मुंडे का कहना है कि उसके कोलो किसी पुरानी फोटो बारे पूछगिछ की जा रही थी, जो फोटो 7 साल पुरानी सी जिस दे विच उसने किसी दोस्त का हथियार फड़िया होया सी। खैर हथियारों के नाल फोटो खिंचवाने का शौक महंगा तो पैना ही सी, पर जेकर पुलिस ने उसे हिरासत में लिता से उसने जुर्म किया से तो उसे कोर्ट के पेश किया जाना चाहिए सी। आखिरकार मामला पख्या, लोग जमा हो गए, मीडिया के ध्यान च आया, सवाल जवाब शुरू होए तो पुलिस ने उसे छड़ दिता। पर मुंडे का की हाल हो गया वह भी तुहानू दिखाने। पहले तो सुनो मुंशी ने की कहा, फिर सुनो SHO साहब ने की कहा, तो उस तो बाद जो मुंडे छड़ दिता तो उसने की कहा। दैनिक मेल पंजाबी TV लई अमृतसर तो जसकरण दे नाल हनी दी रिपोर्ट। सर मुंडा किन्ने दिनों तो लैंदा आया सी? दो तीन दिन हो गए। ड्यूटी लाके मुंडा कोर्ट च पेश कराना, तुसीं की करदे रहे अजे तक? मुंशी दी ड्यूटी जिहड़ी, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा, मुंशी दी ड्यूटी दसो। मुंशी ने ड्यूटी ला के बंदे कोर्ट पे जिन्ना दे आ मीटिंग गए वो आके दसन गए जी। ते मुंडा इसलिए किरे किरे अंडर है? हां जी मुंडा किरे अंडर है इसलिए? केड़े SI ने किरे अंडर केस है जिदे अंडर मुंडा है? ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ? ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ? ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਐਸਆਈ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਚ ਫੜਿਆ? ਕਿਸ ਕੇਸ ਲੈਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਵੀ ਆ? ਹਾਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਨ ਚ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਮੁੰਡਾ? ਮੁੰਡਾ ਚੜਿਆ ਜੀ। ਦਿਖਾਓ ਡਾਇਰੀ। ਰਜਿਸਟਰ ਦਿਖਾਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਪੀਪੀ ਜਾਓ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਜੇ, ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ, 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 50,000 ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, SI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 50,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ? ਨਹੀਂ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ
एक नौजवान पंजाब पुलिस ने नजायज ही चुकया गया। असी नौजवान ना गल कर रहे हैं कि उन्हें की तशद्दुद होए उहदे नाल गल कर रहे हैं। हाँ जी वीर जी, अपना नाम? भाई बलदेव सिंह मेरा नाम, छोटा नाम गोरा वा। वीर जी तुहानूं पंजाब पुलिस ने किस दिन चुकया सीगा? भाई शनिवार चुकया, मैनू एक राती 1:30 बजे पुछ गए जी, मैनू लैके गए ही। मेरा झगड़ा होया ही तो मेरा राजीनामा एक दिन पहला हो गया ही उहदा, तो मैनू दोबारा फिर लैके गए आ कि तेरा राजीनामा अजे होया नहीं आ, तो पुछ गिछ करनी आ, तो चल साढ़े नाल। तो मैं भाई सुत्ता उठाया, मैं अपनी टी शर्ट पा के लोअर लूर पा के चल गया उन्होंने नाल। तो बाद चो उन्होंने मैं उत्थे जा के मारिया कि तेरे को आ पिस्तौल हैगा वा, छक दे, मैं लैके गए आ। तो मैं उत्थे बहुत ज़्यादा मारिया उन्होंने, 5 दिन 5-6 दिन मैं रखिया उन्होंने उत्थे। किन्ना क ज़्यादा टॉर्चर किया तुहानू कदों तुहानू 5-6 दिन लैके गए? किहड़ी फोटो सीगी वह वायरल किदां होई, जां वह सच्ची ढड्डी फोटो सी जां किदां? सर फोटो ये किसी ने वायरल नहीं, मैनू फसाया गया वा, होर कोई होर किसी ने फोन मेरा गया ही डिग, तो इन्हां को कितों फोटो आ गई? मेरे कोल नहीं हैगी फोटो, मेरे घरदियां कोल नहीं हैगी, इन्ना को फोटो कितों आ गई? असल वीरे फोटो आई कितों? मैं तुहानूं पुछन दिया भी किहड़ा उन्होंने पिस्टल तुहानूं कह रहे पिस्टल ढाडे को सीगे, वह पिस्टल आया कितों? इहदा मैं गया सर घूमन फिरन कितें, किसी का मैं यार गांह दी गांह कितों लै के फोटो खिंच ली, और कोई गल नूं 6-7 साल हो गए। सर मेरे को अपने कोल नहीं हैगी फोटो, इन्ना को कितों आ गई फोटो है? मैं खुद परेशान हाँ कि फोटो आई किदा, मैनूं फसाया गया वा, तां फसाउण करके मैनूं कहिंदे शक च लैके गए आ राती 1:30 बजे। 1:30 बजे जा के उत्थे मैनू अगले दिन कुछ एक दिन कुछ नहीं कहा, दूजे दिन मेरे सारे कपड़े लवा के मैनू टोर्चर किया इन्हां ने, सारे मेरे चड्डे चुड्डे पाड़े इन्हां ने, सारे अल्फ नंगा करके। की कहिंदे सी की कादी गल्लों इन्ना ज़्यादा टोर्चर कादी गल्लों किया गया तुहानूं, वह भी दसो। सर कहिंदे इत्थे तुहाडे इलाके च इत्थे गोलियां चलियां वा कि तूं चलाईयां वा, आह चक्कर च मैनू लैके गए आ। 4-5 दिन तुहानूं टोर्चर ही करदे रहे ओह? हाँ जी सर। किन्ना क ज़्यादा टॉर्चर किया, कितने कितने सट्टा लगिया? सारिया गुजिया सट्टा लगिया वा, मेरे को तुरया नहीं जान रहा इस टाइम, बड़ा मंदा हाल मेरा। चमत्कार हुंदे ने, देखो अपनी अखां सामने, 3 घंटे च हर परेशानी का हल पाओ। सत इलमां दे माहिर दिवानशु जोशी, मेरे किते नू कोई कट नहीं सकता, कट्टन वाले नू मूँह मंगिया ही ना। परेशानी जिवें मनचाहा प्यार, पति पत्नी चनबन, काले जादू का खात्मा, बीमारी दवा ना लगना, वशीकरण करवाओ, जिस नू चाहे उस नू अपने वस च करो। लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स, धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका सौतन दुश्मन नूं अपनी अक्खां सामने तड़फदा वेखो। 7082844950। पंडित एम के शर्मा, फीस नहीं इनाम लवांगा, धोखा नहीं कम करांगा, माता रानी ने चाहिया तां खून दे हंजू नहीं आउण देवांगा। पंडित मौलवी तो विश्वास खो चुके, एक बार जरूर अजमाओ। पंडित एम के शर्मा, प्रेमी प्रेमिका नूं मिलाउणा, सौतन दुश्मन तों छुटकारा, विदेश यात्रा च रुकावट, माता पिता नूं मनाउणा, एक बार मिलाओ फोन ते जरूर अजमाओ अपनी किस्मत। करो संपर्क 97793-95956।